एरिया देखो यार, लेकिन एरिया बड़ा प्यारा है यार। वंस अगैन माई अनदर ब्लॉग। और भाइयों कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे ही होंगे। वेल माई नेम इज़ शहनवाज खान और आप देख रहे हैं फ्रीकी टूर एंड ब्लॉग। आज मैं कुवैत के आपको एक सीक्रेट बीच दिखाने ले जा रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ कुवैत के ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पता होगा कि एक कुवैत में सीक्रेट बीच है, तो वहीं मैं आपको लेके जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को एंड तक देखें, बने रहिए, इसमें आपको काफ़ी अच्छे सीन्स मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय जो हूँ मैं, ये एरिया का नाम है सालवा, एंड वहीं मैं आपको बीच के साइड लेके जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि ये बीच आपको कैसा लगा एंड ये बीच पर आप आए हैं या नहीं आए हैं। ये एरिया है, ये कुवैत में सालवा जो एरिया है ये पॉर्श एरिया है। यहाँ तक यहाँ पर बेसिकली लोगों के बीच हाउस होते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पर्सनल बीच हाउस है इन सब के। यहाँ पे आते हैं छुट्टियाँ बनाने, पार्टी करने। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब इनका बीच हाउस है। यहाँ जो नॉर्मल यहाँ के जो लोकल लोग हैं, पीपल हैं यहाँ के, इनका बीच हाउस है। तो अपना ये जो छुट्टियाँ आता है वो यहीं पे आके अपना स्पेंड करते हैं टाइम। चलिए आगे चलते हैं, दिखाता हूँ वैसे कितना शानदार व्यू आ रहा है। मौसम भी आज ठंडा है एंड कितना क्लीन है एरिया। कुवैत में इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 26 को, जिसकी वजह से हर जगह आपको कुवैत में कुवैती फ्लैग दिख जाएगा एंड काफ़ी डेकोरेट करता हुआ एरिया दिखेगा आपको, जहाँ पेड़ों में लाइट लगे हुए मिल जाएंगे आपको हर जगह। मतलब अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे आता रहेगा 20 तारीख 21 तारीख, आपको कुवैत पूरा जगमगाता हुआ नज़र आएगा, चमकदार बिल्कुल, हर जगह लाइटें लगी हुई होगी, तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखेगा। वैसे समय हो रहा है 3:45 और मौसम यहाँ का फिलहाल ठंडा हो रखा है। ये एरिया समुंदर के किनारे है, ऊपर से मौसम भी ठंडा है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड काफ़ी होती है। अभी भी यहाँ हवा चल रही है एंड ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो फटाफट आपको मैं बीच दिखाता हूँ एंड वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलो फिर चल ही रहे हैं वैसे तो। और आप बता दो अपना क्या सब चल रहा है यार। तुम मैं ना वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इतनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ, तुम इसकी स्किप करके देखते हो, तो यार इस वीडियो को कम से कम ना तुम पूरा देखना। एरिया देख रहे हो भाई साहब, कितना सुनसान एरिया है। एंड ये देखो वो इतवियों की लग्जरी कारें, लाइन से लगा रहा है, मतलब क्या ही बना रखा है, मतलब यहाँ से भी कितनी जहर है। कुवैती में लोगों को है ना गाड़ियों का बहुत शौक है। बस पास में ही है, आने वाला है, थोड़ी सी दूर और है। मौसम भी यार ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, बट बारिश ना हो तो ज़्यादा सही है। घर देख रहे हो ये सब, कितना शानदार घर बनाते हैं यार, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खतरनाक होता है। ये यहाँ का मिनी डेजर्ट है, कुवैत का मिनी डेजर्ट। ये मैं पार करके जा रहा हूँ रोड साइड वैसे ये मिनी डेजर्ट नहीं है कोई, ये यहाँ की जमीन है, किसी बंदे की यहाँ की जमीन है। खतरनाक बना रखा है यहाँ का रेडिसन व्यू। मेरा भी मन कर रहा था यार बीच पे जाने का, काफी टाइम से यहाँ आया नहीं था, आज सोचा जाऊंगा, बट आज गेट ही बंद कर रखा है, पता नहीं क्यों गेट बंद कर रखा है इन्होंने, ताला ही मार रखा है। एरिया देखो यार, लेकिन एरिया बड़ा प्यारा है यार। ये यहाँ के अमीरों का एरिया है भाई, सालवा एरिया का नाम है एंड ये पॉर्श एरिया है। गिने चुने बीच हाउस है यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के, एंड जस्ट इधर इस साइड को यहाँ के पीएम का, जो यहाँ के पीएम से उनका भी हाउस है, अभी भी है यहाँ पे, उनकी फैमिली रहती है। सो यहाँ के जो पीएम थे वो तो एक्सपायर हो गए, उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है, इसी एरिया में रहती है,
एंड काफ़ी सिक्योरिटी रहती है उनके घर पे, काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एंड इतना बड़ा उनका बीच हाउस है, घर के अंदर ही हर चीज़ है, आपको मॉस्क भी घर के अंदर ही मिलेगा, बट वहाँ जाना हर किसी को अलाउड नहीं है, जो बड़े बड़े बंदे होते हैं वही जा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर का घर है, यहाँ पे थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये झंडा दिख रहा है, ये लाल रेड रेड फोर्ट टाइप का बना रखा है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर है। यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे आना जाना नॉर्मल बंदों के लिए अलाउड नहीं है, यहाँ मतलब जो गवर्नमेंट बंदे हैं वही आ जा सकते हैं, या इनके रिलेटिव भी आ जा सकते हैं। काफ़ी साफ सफाई कर रखी है, मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का घर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर का, तो एरिया की साफ सफाई तो होगी यहाँ पे। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताओ, आपको बीच तो नहीं दिखा बट फिर भी बताओ वीडियो कैसी लगी। एंड वीडियो को यार पूरी देखना कसम से, यार जब पूरी नहीं देखते हो ना तो अच्छा नहीं लगता, इतनी मुश्किल से वीडियो को बनाता हूँ मेहनत करके, तो पूरी देखना। मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, फ़िलहाल के लिए बाय। मेरे पीछे इस मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।